हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चार दिन से लगातार बच्चे लगे हुए हैं सीजीएल प्रोटेस्ट सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर जो चल रहा है, और आज है पांचवा दिन और लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। चार दिन से बच्चे भूखे प्यासे हैं, 9 बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। हर इंसान को ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब ये मीडिया में भी आ रही है, ये सब चीज़ें अब मीडिया में भी दिखाई दे रही है, ठीक है। बस आप मोदी जी आपको नहीं दिख रहा है, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमारे देश के सर्वे सर्वा हैं, आप सबसे ऊपर पोजीशन पर हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, आपको तो सबसे पहले आगे आना चाहिए, क्योंकि आज की ये युवा जनरेशन सिर्फ आपके भरोसे ही बैठी है। आपको ही कुछ करना होगा। सब आगे आ रहे हैं, अन्ना हजारे आज आ रहे हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर। अन्ना हजारे ने ऐलान किया है कि वो आज स्टूडेंट से मिलने आ रहे हैं। केजरीवाल जी ने भी, अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने भी सीबीआई की डिमांड की है। बच्चे लगातार अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं, आज पांचवा दिन है और बहुत सफल प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए, प्रोटेस्ट बहुत देखे लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट मैंने नहीं दिया। लगातार पांचवें दिन जबरदस्त जज्बा देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स का। स्थिति बिगड़ती जा रही है लेकिन किसी भी सूरत में हार मानने को तैयार नहीं है। मेरी सभी स्टूडेंट्स से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे और इस प्रोटेस्ट को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करें, ठीक है। किसी वजह से आप नहीं आ पाए थे, होली का फेस्टिवल था लेकिन होली फेस्टिवल अब खत्म हो चुका है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचिए। देखिए, सीधी सी बात है, 25 से 30 लाख हर साल एग्जाम देने जाते हैं। सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, 25 से 30 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। तो अगर उसमें से कुछ परसेंटेज भी अगर वहां पहुंचेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई देने वाली है। केवल 400 500 हजार स्टूडेंट से कुछ नहीं होने वाला, वहां पर भीड़ दिखाइए। 10,000 20,000 50,000 स्टूडेंट जब वहां पर दिखाई देंगे ना, तो अपने आप एक स्थिति, एक बेहतर स्थिति होगी। मैं यहां पर एक चीज और कहना चाहता हूं, देखिए स्टूडेंट्स है, उनके पेरेंट्स है, अगर पेरेंट्स हो सके तो वो भी स्टूडेंट्स का सपोर्ट करें और वहां पर पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितनी ज्यादा से ज्यादा वहां पर स्टूडेंट्स दिखाई देंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा वहां पर लोग होंगे, उतना ही ये प्रोटेस्ट ज्यादा बड़ा बनेगा। तो मेरी सभी स्टूडेंट से ये गुजारिश है जो मेरी इस वॉइस को सुन रहे हैं, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे और अपनी तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है वो करें। हेल्प का मतलब ये है कि जो भी, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, ठीक। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट, जो ये सामने आप दिखाई दे रहे हैं, इस स्क्रीनशॉट को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, ठीक है। चाहे व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर यूज करते हैं, स्टूडेंट्स तक बात पहुंचनी चाहिए। काफी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई, उन्हें पता ही नहीं है कि प्रोटेस्ट कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, हद है यार। तो बात को बढ़ाइए, जब तक बात बढ़ेगी नहीं तब तक कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। बात को दबाने से कुछ नहीं होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा बात को उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आपके फ्यूचर की बात है, आपके कैरियर की बात है। अगर एग्जाम फेयर होने लगेगा ना, तो हर पढ़ने वाला स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब लेगा, वो उसे टाइम नहीं लगेगा। साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल तैयारी करते रहते हैं, रिजल्ट क्या होता है? नॉट सिलेक्शन। क्या वजह है? क्योंकि हर एग्जाम में धांधली है। अगर एक बार सही कदम आप उठा गए, एक बार सही रिजल्ट आ गया, तो दिमाग सरकार का बहुत आसानी से खुल जाएगा और फिर जो भी होगा वो फेयर होगा और हर पढ़ने वाला स्टूडेंट सरकारी नौकरी पर रहेगा। तो मेरी सभी स्टूडेंट से यही गुजारिश है, उनके पेरेंट्स से यही गुजारिश है, इस प्रोटेस्ट में पूरा अपना सहयोग दें, समर्थन दें, ठीक है। इस प्रोटेस्ट को बड़ा बनाने का पूरा पूरा प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।